बहुत बहुत स्वागत है टी न्यूज में। मैं हूँ काजल। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। योगी सरकार का बुद्धि शुद्धि हवन। विकास भवन के सामने धरना स्थल का यह सारा मामला। काफी समय से शिक्षक संगठन लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। इन प्रदर्शनों के माध्यम से शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर पेंशन बहाली नहीं करेंगे तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। शिक्षकों ने 31 जनवरी तक सरकार को अल्टीमेटम दिया है। उनका कहना है अगर हमारी मांगे नहीं मानी गईं तो नेताओं को भी मिलने वाली पेंशन छोड़नी पड़ेगी, वरना हमें भी पेंशन देना होगा। अपने ही खेत में फसल काटने गए दलित किसान व उसकी बेटियों को दबंगों ने पीटा। अपने ही खेत में काम कर रहे दलित किसान के साथ करीब आधा दर्जन दबंगों ने की मारपीट, बेटियों सहित किसान घायल। पुलिस कार्रवाई करने के बजाय समझौता करने का बना रही दबाव। कई बार तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस द्वारा नहीं की गई कोई कार्रवाई, जिसके चलते दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों के डर से अपने ही फसल काट नहीं पा रहे दलित किसान। आपको बताते चलें, ताजा मामला यूपी के सीतापुर थाना इमलिया सुल्तानपुर के ढोलाई खुर्द का है, जहां पर एक दलित किसान ने बटाई के खेत में सरसों बो रखी है, जिसे काटने के लिए अपने खेत में पहुंचा, जहां करीब आधा दर्जन दबंगों ने दलित किसान व उनकी बेटियों पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, लात घूसों व लाठी डंडों से मारने लगे, जिससे किसान व उसकी दो बेटियां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। डायल 100 की मदद से किसान व उनकी बेटियों की जान बच सकी। थाने में कई बार तहरीर देने के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे गन्ना मालिश है। अच्छा अच्छा, कौन लोग मारे? नहीं, ठाकुर। नाम बताओ। शेर बहादुर सिंकल पुत्र जो है, लड़का मारी से और लड़की मारी से, यहाँ पत्नी भी मारी से। सर सीतापुर जा रहे थे और पापा ने वो खेत बटाई लिया है, तो वहाँ लोग हम लोग चले गए। फिर वो जो खेत वाला था वहाँ आके और हम लोगों को मारा है और पापा को भी मारा है। और थाने गई? जी सर, थाने गई। तो क्या बोले सर? कोई सुनवाई नहीं। किसने मारा था? गांव के कितने कौन लोग? सर वो जो उसका लड़का था उसी ने मारा। मेरा पैर पकड़ के खींच लिया, फिर ऊपर बैठ कर और मारा। उसकी लड़कियां जो थी वो दबंग लोग। ये दबंग लोग हैं? जी सर, दबंग। कितने लोग थे सर? चार पांच लोग। आपका नाम? सारिका।